के विपक्ष के काम पास कोई काम तो है नहीं। सही बात जनता के बीच में बताते तो अच्छा लगता। जो प्रदेश और देश में लंबे समय से मुस्लिम बुद्धिजीवी तबका, सिया समाज, बोहरा समाज और महिलाएं बराबर मांग करती रही हैं कि वक्फ नियमावली में संशोधन, वक्फ बगैर कायदे की संपत्ति हमारी है तो मान ली जाती थी उसकी, उसी में संशोधन, जो मनमानी है उसको रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, महिलाओं को हक मिले, इसके लिए ये बिल लाया गया है। कहीं अगर विवाद है उस विवाद को जिले के डीएम को निपटाने का अधिकार है। अब विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस सपा बसपा के लोग क्या कह रहे हैं, धर्म खतरे में है। किसका धर्म खतरे में है, राहुल जी का कि अखिलेश जी का, किसका खतरे में है? ये वक्फ नियमावली में पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि गरीबों का कब्जा, गरीब रह रहे हैं पिछले कई सालों से, वो बेघर हो जाएंगे। सरकार गरीबों को बसाने के लिए जमीन दे रही है, उनको आवास दे रही है, उनको शौचालय दे रही है। अगर उजाड़ना होता तो देती क्यों? ये विपक्ष का आरोप निराधार है, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। बस डर उनको ये सता रहा है कि एक बड़ा तबका मुसलमान कहीं हमारा साथ न छोड़ दे, वो एनडीए के साथ न चला जाए, इस नाते वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग अपने वोट को अपने पास रखने के लिए चिल्ला रहे हैं। उस वोट को हिस्सा न मिले, उस वोट में समानता न आवे, उस वोट में जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात हो रही है। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमान के बच्चे 51 आईएएस पास किए हैं, पहली बार। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं, उसमें अटैच हैं विद्यालय। इतने ही तैसी सपा बसपा कांग्रेस के लोग थे तो इन लोगों ने दो को यूनिवर्सिटी खोल दिया होता, मदरसा बोर्ड के नियमावली में संशोधन कर दिया होता, उसी यूनिवर्सिटी से अटैच कर देते तो आज मदरसा बोर्ड उंगली नहीं उठती। के विपक्ष के काम पास कोई काम तो है नहीं। सही बात जनता के बीच में बताते तो अच्छा लगता। जो प्रदेश और देश में लंबे समय से मुस्लिम बुद्धिजीवी तबका, सिया समाज, बोहरा समाज और महिलाएं बराबर मांग करती रही हैं कि वक्फ नियमावली में संशोधन, वक्फ बगैर कायदे की संपत्ति हमारी है तो मान ली जाती थी उसकी, उसी में संशोधन, जो मनमानी है उसको रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, महिलाओं को हक मिले, इसके लिए ये बिल लाया गया है। कहीं अगर विवाद है उस विवाद को जिले के डीएम को निपटाने का अधिकार है। अब विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस सपा बसपा के लोग क्या कह रहे हैं, धर्म खतरे में है। किसका धर्म खतरे में है, राहुल जी का कि अखिलेश जी का, किसका खतरे में है? ये वक्फ नियमावली में पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि गरीबों का कब्जा, गरीब रह रहे हैं पिछले कई सालों से, वो बेघर हो जाएंगे। सरकार गरीबों को बसाने के लिए जमीन दे रही है, उनको आवास दे रही है, उनको शौचालय दे रही है। अगर उजाड़ना होता तो देती क्यों? ये विपक्ष का आरोप निराधार है, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। बस डर उनको ये सता रहा है कि एक बड़ा तबका मुसलमान कहीं हमारा साथ न छोड़ दे, वो एनडीए के साथ न चला जाए, इस नाते वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग अपने वोट को अपने पास रखने के लिए चिल्ला रहे हैं। उस वोट को हिस्सा न मिले, उस वोट में समानता न आवे,
उस वोट में जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात हो रही है। पहली बार आजादी के बाद पहली बार मुसलमान के बच्चे 51 आईएएस पास किए हैं, पहली बार। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं, उसमें अटैच हैं विद्यालय। इतने ही तैसी सपा बसपा कांग्रेस के लोग थे, तो इन लोगों ने दो को यूनिवर्सिटी खोल दिया होता, मदरसा बोर्ड के नियमावली में संशोधन कर दिया होता, उसी यूनिवर्सिटी से अटैच कर देते, तो आज मदरसा बोर्ड उंगली नहीं उठती।